चैनल में चलाएंगे जागरण फाड़ी लगी अभी आता है घंटे अभी चला ये पूरे जमीन को हमारे जितना भी घर है वो नापा जाए और 11 आर एक पैसा हमको मिला है ना और बाकी जो बचता है वो पैसा हमको मिला चाहिए। तो प्रशासन ने आपको जो मुआवजा दिया उससे ज्यादा क्या अतिक्रमण हटवा रहा? ज्यादा अतिक्रमण कर तो आपने प्रशासन से मिला नहीं? अरे मिला तो सबका क्या कहते हैं सब ऐसा ने बोला था कहीं तीन अलग आ गए हैं तो वहाँ से ले। ग्राम पंचायत चदे कि आप पूर्व सरपंच हैं वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं आपके ही जो जनता के ही ये घर अतिक्रमण द्वारा ही जो था वो घर गिराया जा रहा है इस संबंध में आप किसी प्रशासनिक और कहीं अर्जी क्या दिलाए? हमने डायरेक्ट लेकर के बद्री प्रसाद सोनी जो एक अंधे व्यक्ति हैं उनको लेकर के हमने और उनके बालक को एक राजेश सोनी है मैं स्वतः था छोटे लाल सोनी और 5 लोग हम लोग गए वहाँ पर कलेक्टर साहब से जब हम लोगों ने मुलाकात करी तो कलेक्टर साहब ने कहा कि एडिशनल कलेक्टर देखेंगे इसको जाके मिलवा दो तो चपरासी उनके लेके गए एडिशनल साहब से मिलवाए एडिशनल साहब से हम लोगों ने बात करी फिर एडिशनल साहब ने ये कहा कि डिप्टी कलेक्टर साहब से मिल लीजिए वो बैठे थे सामने AK सिंह तो उनसे उन्होंने कहा कि उनसे देख लीजिए क्या मामला है इनका तो उनके पास जब हम लोग बैठे तो पूरी बातों को बताए पूरा कागज दिखाए उनको कि पैसा इनका नहीं दिया गया घर गिराया जा रहा है उनकी बात उनने ही यहाँ SDM थे उनने ही पूरी कार्रवाई करी थी भेजे थे चिट्ठी भेजे थे उसको MPRDC को जो प्रबंधक है उसका जैन तो उसके पास उनने भेजा था पर कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई तो जब हम कल लगातार लगे ही रह गए निरंतर शाम को हमको कलेक्टर से मिलने की टाइम मिली तो कलेक्टर साहब से जब हम लोग मिले ADM साहब स्वतः लेके गए मिलवाए तो बोले पैसा 10 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा पर ब्लैक स्पॉट जो है वो रुकेगा नहीं वो घर गिराया जाएगा। फिर डिप्टी कलेक्टर साहब से जब फिर से गए उनसे बात करने लगे तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के लिए टाइम हम आपको देते हैं 3 दिन में आप वहां पर सामान खाली करा दो और 3 दिन के बाद ये अतिक्रमण गिराया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब के पास बात पहुंचाई होगी तो कलेक्टर साहब ने डायरेक्ट ये कहा कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है वो कल ही घर गिराए जाएंगे अतिक्रमण वहां से खाली होगा। तब SDM साहब से मेरी जब बात हुई तो SDM साहब ने कहा कि हमें भी ये है कि घर ना गिरे जब तक पैसे ना मिले पर कलेक्टर साहब का फोन आया है पूछे हमसे कि कितना टाइम कितने बजे के लिए टाइम दिया हो उन्होंने कहा कि 11 बजे के लिए हमने टाइम दिया है तो कलेक्टर साहब बताए कि नहीं 9 बजे ये अतिक्रमण खाली कराओ। लेकिन आपने कुछ ऐसी ही समस्याओं को उनका ही निदान करने के लिए कहा कि भाई ठंडी पड़ रही है टकराके मैंने सब कुछ बात करी उनसे तो संबंध सारी बातों को उनको अवगत कराया एक अंधे व्यक्ति को हम साथ मिले करके वहां पर बैठाए रहे कलेक्टर साहब भी देख रहे हैं एडिशनल कलेक्टर भी देख रहे हैं ADM भी देख रहे हैं डिप्टी कलेक्टर पर अब उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या करें से आप आए अतिक्रमण हटवा रहे हैं किसका क्या है मामला सर? इनका पहले से भूमि अर्जन का भुगतान हो चुका है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डार्क जोन एरियाज में है और मुख्य रूप से यहाँ से अप्रोच सड़क बननी थी जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो यहाँ दुर्घटना क्योंकि अप्रोच सड़क यहाँ पे नहीं है दुर्घटना की वजह से बहुत सारी मृत्यु हो रही है और रीवा में वैसे भी सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है तो उसी की वजह से इनको पहले से मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है और जिन लोगों को मुआवजे भुगतान हो गया है जिनको पर्याप्त समय हो गया है और अप्रोच रोड नहीं बन पाई उनका यहाँ से जो है मकान लेकिन जनता का थोड़ा सा ये कहना ये है सर कि क्योंकि ठंडी बहुत कड़ाके की पड़ रही है हम लोग बेघर हो जाएंगे अगर ये ठंडी के बजाय अगर किसी अन्य महीने में गिराया जाता तो पूर्व से सूचना है ये पिछले ठंड के पहले का 2020 का के पहले का भुगतान है और उसके बाद से 2020 से 2021 और 21 के बाद भी अपन लोग अब 21 के एंड में आ गए तो ये मतलब इसमें पर्याप्त समय दिया गया ये कहना गलत है कि अपन कोई मतलब उनको परेशान करने को उद्देश्य सर आपका नाम शैलेंद्र सिंह एडिशनल कलेक्टर।